हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं आप लोगों की दुआओं से। कौन किसको मार, कौन मार रहा है आपको? भैया, अच्छा बंद करो रंजू, देखो कोई बुला रहा है। तो दोस्तों, आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मेरी मम्मी के घर से, और आज सुबह ही आई हूँ मैं मम्मी के घर। और सुबह 10 बजे के करीब मैं आ गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे दवा भी लेना था और एक मिट्टी भी हो गई थी तो मिट्टी में भी जाना था, इसीलिए मैं आई हूँ। कल सुबह जाऊँगी घर। और ये मेरी बहन है अंजू, हम दोनों बहन मिलकर ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ पैरों में लगाने के लिए महावर, क्योंकि घर से मैं बस ऐसे ही फटाफट भाग आई थी, और वैसे भी शादी वगैरह में जाने नहीं था, अच्छा भी नहीं लग रहा था, मिट्टी में जाना था। तो मिट्टी में तो हम कब के आ गए होके, यहाँ ठंड लग रही थी, छत पे हम लोग हैं। बाहर का पीछे दिखाओ माही अंजू, ये देखो बच्चे बॉल खेल रहे हैं पीछे। और अब हम जा रहे हैं पैरों में लगाने के लिए महावर, छोटको लोग को भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। बन गए? हाँ, ना फोड़ो खबरा, यहाँ रखो, यहाँ आयांश आप भी फोड़ रहे हो ना, काम में लगे हैं अभी, नहीं सुनाई दे रहा आपको? डंडे लेके आए, रखो यहाँ रखो, लाओ यहाँ रखो। क्या ली और क्या लियो दिखाओ इसकी घर। इधर भाभी ने कटोरी में घोल लिया था महावर आलता, ये पिंक वाला है, तो पहले मम्मी को लगा दी थी और अब मैं भी लगवा रही थी। ये जो पिंक कलर है ना महावर, ये मुझे बहुत पसंद है, और पैरों में लगाने के बाद तो पैरों की शोभा ही बढ़ जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये है गेहूं, पानी में भिगो के रखा गया, सुबह भिगोएगा अंजू, सुबह इसे भिगो के रख दिया गया था क्योंकि इसमें ना चूहे का वीट इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत। गांव में ऐसे ही होता है, चूहा बहुत ज़्यादा तंग करते हैं क्योंकि सबके यहाँ स्टोर किया हुआ अनाज रहता है ना, तो जहाँ अनाज स्टोर किया हुआ रहता है वहाँ चूहा ज़रूर आता है। और ये देखिए इतना रखा हुआ है बोरी में, वैसा ये भी है, तो इसको भी पानी में भिगो के रखना है। इसमें ना कुछ कुछ रेड़ी ही कीड़े भी हैं। हाँ, रेड़ी, चूहा की रेड़ी। अभी ये कल धोया जाएगा, पानी से निकाला जाएगा, रात भर ये फूलेगा, दोबारा से इसे 2-3 पानी से वाश किया जाएगा, फिर उसके बाद ही इसको सुखवाया जाएगा। और इतना ये देखिए सुखवा के इधर रखा हुआ है। और अभी बज रहे हैं दोस्तों शाम के 4, तो धूप जो है वो छत से जाने वाली है, तो हम लोग भी चलने वाले हैं नीचे। और आज ना काफ़ी दिन बाद मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मन भी हल्का हल्का सा लग रहा है क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, और घर में ना मैं अकेले मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, आज थोड़ा सा मूड फ्रेश लग रहा है। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे फुटबॉल, बच्चे क्या इसमें बड़े भी शामिल है। ए फुनवा उठाए रहे, फुनवा उठाए रहे, नहीं उठाए, चल ठीक। सामने देखिए कौन दिख रहा है आप लोगों को, भाई बैठ के खा रहा है खाना। कहाँ है भैया जय सिंह? आयांश, आयांश कौन जा रहा है का? इधर देखो, इधर देखो, हेलो करो, हेलो करो, इधर पहले इधर देखो, हेलो करो, बोलो हेलो करो, ऐसे करो, हाय करो। जाला है, जाला है, पता नहीं किसको ये देख रहे हैं, जाला है, जाला है। ये देखिए सब लोग बॉल खेल रहे हैं ना सामने, बस वही इनकी नजर है, इनको भी जाना होगा, है ना। इधर मम्मी दिख रही होगी, गाय का गोबर उठा रही है, और यहाँ पे साफ सफाई चल रही है, तो इस समय चल रही है पशुओं की देखभाल, यानी कि सानी पानी, बाकी का जो कुछ भी काम है और भाइयों ने किया, अब मम्मी यहाँ पे साफ सफाई कर रही है, शाम की साफ सफाई चल रही है। कुलदीप बोल, तेरे सीरियसली कहा तो मजाक नहीं, भाई को कह रही मझले वाला, बोल रही थी कि वीडियो में थोड़ा कुछ बोल दो, पर बोला ही नहीं। हेलो कार्ड, ए दीदिया, ए दीदिया विदाई देवा का हम आई कहते जो डरा दी दूर से, दूर ही यहाँ से। देखिए भाई चाची जा रही है अपनी ननद को भेज के, वो देखिए मम्मी आ रही है गोबर फेंक करके,
और गोबर फेंकने के लिए ये यहाँ पे गई थी। ये देखिए बहुत सारे कंडे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, जब मैं जूम करती हूँ ना, और सामने वाले खेत में आप सभी को बहुत सारी औरतें दिख रही होंगी। तो ये है मटर का खेत, और इसमें पता है सब लोग क्या कर रहे हैं, बथुआ तोड़ रहे हैं। तो गांव में ऐसे ही होता है, शहरों में तो लोगों को लेना पड़ता है, पर गांव में इतनी अच्छी अच्छी बथुए हैं कि देखकर दिल खुश हो जाता है। जिनका खाने का मन ना हो वो भी तोड़ते हैं। तो एक तरफ से बहुत सारी औरतें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, कुछ लेके चली भी गई होंगी और कुछ अभी तोड़ रही हैं। ये देखिए मम्मी का चूल्हा एक छत पर बना हुआ था, जिसपे बन रही थी, गर्मी में यहाँ पर खाना बन रहा था। कि गर्मी में अक्सर ऐसा होता है ना कि गर्मी में सब लोग कहीं अपने छत पे कोई आंगन में चूल्हा बदल देते हैं चूल्हे की जगह। तो यहाँ छत पे मम्मी का बना था चूल्हा, और अभी बारिश की वजह से और ठंड की वजह से यहाँ पे खाना बनना बंद हो गया है। तो रसोई जो है वो बन गई है आंगन में, ये सामने दिख रही होगी ना अंगेठी, उसी में बनता है खाना इस टाइम। सब कपड़े उतार ली, चलो अभी चलो, अभी डंडा फेंको नहीं लग जाएगा, डंडा फेंको फेंको। तो हम आ गए नीचे दोस्तों, और ये है हमारी मम्मी की छोटी सी बकरी, और इसके दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुनमुन हैं। मैं दिखाती हूँ मुनमुन को आप लोगों को, ये देखिए बड़े क्यूट से है। उठो उठो उठो, इनको ठंड लग रही है, बंदर ले चलना पड़ेगा, शाम के 5 बज रहे हैं। ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, बिल्कुल हमारे मुन्ने के जैसे हैं दोनों, दोनों बकरी हैं, बकरे नहीं है दोस्तों, अच्छा है कि बकरी है। दोनों अंदर आ चुके हैं, ये देखिए, ये इनका इनकी रात यहीं पे बीतती है, ठंड के मौसम में अच्छी व्यवस्था है। हाँ ये अच्छा है, बाहर इनको ठंड लग रही थी। और यही रूम में एक साइड भैंस रहती है, इस साइड बकरी के बच्चे रहते हैं, उसी साइड उनकी माँ रहती है। हाँ वो सांस लेने के लिए ठीक है ना। ये वाले रूम में ना सिर्फ भैंस और बकरी रहती है, और बाकी का इस वाले रूम में कौन रहता है, मम्मी, ये वाली रूम में मम्मी और बाकी सब भाई लोग, और ये वाले रूम में पापा। बोलो, ये देखिए ये आ गई मानसी, और ये नानी के यहाँ पहले से डटी बैठी थी, अभी पहन लिया है जूता, आप पहलेगा आराम से। करेगी अब घर की सफाई, बेटे की सफाई करने के बाद अब घर की सफाई करेगी। तो अभी को इसने तैयार करवा दिया है जूता, देख जाओ अभी जाओ बिठा दो। बाय करो, पैसे लेके कहाँ जा रही हो, बाजार। तो पापा लेके चले गए हैं बच्चों को घुमाने के लिए, उसके कुछ देर बाद फिर आ गए थे इनको दुकान से, कुछ बस खाने पीने की चीज़ें दिलाने के लिए लेके गए थे। और इधर शाम के खाने की तैयारी शुरू हो गई है, बाहर हो गया था अंधेरा, और आज के खाने में बन रहा है आलू का पराठा, खीर, टमाटर की चटनी और आलू मटर की सब्जी, यही सारी चीज़ें बन रही है। और स्पेशल ये है ना कि भाई भी घर में डेली नहीं रहता है, तो ड्यूटी पे था, तो वो भी आज ही छुट्टी से, नहीं कल आया था छुट्टी पे घर, तो आज मैं भी पहुंच आई, तो दोनों भाई बहन की मुलाकात भी हो गई। और इधर ये आ गए हैं चाचा जी, ये भी ड्यूटी पे रहते हैं, इनकी अलग इनका अलग कुछ है मुझे पता नहीं है, पर हाँ जो चाची जी है ना वो टीचर हो गई हैं, उनका सरकारी जॉब लग गया है। इधर मम्मी बैठी थी, उधर छोटा वाला भाई बैठा था, तो सब बातें कर रहे थे, चाचा भी छुट्टी पे आए हुए थे। और भाई और चाचा की इनकी ना शायद अलग अलग है इनका जॉब, पर मुझे ठीक से पता नहीं है। और इधर जो है चाचा के लिए और भाई के लिए थाली परोसी जा रही थी, तो टमाटर की चटनी जो है वो आलू के पराठे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है हम लोगों को, पर हाँ बड़े वाले भाई को नहीं पसंद है। तो जब बाहर रहता है ड्यूटी पे तो घर की चीज़ें खाने को नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें मिस करता है, तो घर पे जब आता है ना तो फिर उसकी पसंद की सारी चीज़ें बनती है, जो जो चीज़ें वहाँ खाने को नहीं मिलती है, ऐसे मसाले वाली चीज़ें बहुत वहाँ पे मिलती है खाने को, तो इस तरह की चीज़ें नहीं बनवाता है, बस ऐसी चीज़ें उसको पसंद है, आलू के पराठे वगैरह, और दूध वाली चीज़ें भी वहाँ पे मिलती रहती है, तो इसलिए उसकी पसंद का यहाँ पे बना है। ये देखिए भाई आ गया है, अंजू सबके लिए खाना बना दी है, इधर भाभी सेक रही हैं पराठा, और ये भाई गया था बाहर, तो अब दोनों जो है
पक्के वाले फ्रेंड हैं, जब भी आते हैं छुट्टी पे तो फिर एक दूसरे के घर खाना पीना आना जाना इनका लगा रहता है और एक दूसरे के साथ ये बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। इधर मैं आ गई थी मझले वाले भाई के रूम में, तो मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रही थी तो मुझे मिला नहीं, उसके बाद मेरे लिए भी थाली यहाँ पे लग गई। तो हमारे हाथ में भी आ गई है दोस्तों स्वादिष्ट खाने की प्लेट। खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, फिर उसके बाद आप। गुड मॉर्निंग फैमिली, अभी सुबह के बज गए हैं 6:30 और मैं अभी हूँ बिस्तर में क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है और आज हमारे पास कोई काम नहीं है तो और ही ठंड लग रही है। सब लोग घर की उठ चुके हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। रात को मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी। अभी दैदा ना वो खाए, अभी बिस्किट मांगा था, वो दैदा खाए पराठा, शाम का पराठा जो बना था, क्योंकि बच्चों को उठते ही बिस्किट चाहिए होता है। मिल गया, कौन दिया बिस्किट आपको? लाम खोल दे, प्लेट लाओ, आप वो बर्तन में से प्लेट लाओ, लाम खोल दे, दो दो बाबू, लाओ खोल देते हैं, परेशान मत हो आप। अरे खोल लिया बाबा, दिया नहीं पर खोल, जाओ प्लेट में रख लो। क्या आपको क्या करे? अच्छा, तो फैमिली अभी सुबह के जो है वो 9 बजने वाले हैं, 8:50 हैं, तो व्लॉग का एंड कर देंगे। चाय नाश्ता भी हो गया हमारा, बैठे हैं अभी, होगी घर जाने की तैयारी, तो हमने सोचा व्लॉग का एंड कर देते हैं और इसी के साथ मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हाँ, जो भाई बहन चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।